भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं, जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहां देवी के रजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। ये जगह है कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक है और ये शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है, और इसलिए आज हमारी टीम निकल पड़ी है दिल्ली से तकरीबन 1900 किलोमीटर दूरी ट्रेन के माध्यम से तय करके पहुंची है गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में, जहां आज हम आपको माँ कामाख्या जी के मंदिर के दर्शन करवाएंगे और जानेंगे इनकी महिमा के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है। Thank you.
पंडित जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा रवि शर्मा है हमारा परिचय। जी, ये अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठान में हम बैठ रहे हैं नीचे। अच्छा, क्या है कामाख्या मंदिर का इतिहास, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी करें। सर्वप्रथम तो आपको जय माता दी। जी, जो इसका रहस्य बहुत गंभीर है। यहाँ 10 पीठ 10 महाशक्ति का भी साधन होता है। इधर में कोई सिद्धि करना चाहते हैं वो भी साधन सफल हो जाते हैं। यहाँ 10 महापीठ है, तारा, बगलामुखी, अन्य अन्य 10 पीठ महा यहाँ पूजा होते हैं। और उसके बाद जो काम महा कामक है, इसका बहुत पौराणिक कथा है। इसमें शिवपुराण अंतर्गत इसका कथा आते है। जो शिव जी का पत्नी था, मैंने सती देवी मरने के बाद उनका जो एक अंग है, योनि अंग, इधर में पतन हुआ, मैंने माता जी का अंग इधर में गिरा, वहाँ से मैंने इनका पूजा चालू होने लगे। और शिव स्वरूप उमानाथ बन के बैठे, और मैं सती जिसका अंग योनि इधर में गिरा है, वहाँ से इनका पूजा करने के लिए चालू कर दिए, चालू हो रहा है। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्ति आते हैं, नेपाल से, भूटान से, और बाहर से, और बहुत बहुत देश से भी आते हैं। और भक्त के अनेक मनोकामना पूरा करने के लिए मैंने इच्छा पूरा करने के लिए कामाख्या जी माता जी का इधर में दर्शन होता है। बहुत भीड़ लगती है इधर में। अच्छा पंडित जी, एक खासियत ये भी है यहाँ की, कहा जाता है कि यहाँ पे निरंतर जो है रहता है, रक्त वो हमेशा बहता रहता है। ये गलत है। जो भूमिराज होता है साल में एक बार होता है, 7 दिन तक ऐसा रहता है। अंदर अभी भी है, आप जाइए, आप देख सकते हैं। नीचे एक कुंड है, उधर में बहुत मैंने हमेशा पानी बहता है, लेकिन जो साल में एक बार है, भूमिराज बोलते हैं उनको, भूमिराज बोलते हैं। भूमिराज के दिन इधर जो कुंड है उधर में पूरा खून बहते है। अभी प्रमाण है, अभी आप जाने से भी देख सकते हैं, लाइन में जाके देख के आइए, अभी भी है उधर है, ये सत्य है। सबकी मुरादें पूरी होती है यहाँ पे, जो भी आता कभी खाली हाथ नहीं लौटा यहाँ से। तो और क्या क्या किस्से हैं जो यहाँ के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा वो साझा कीजिए। कोई भी रोग के लिए, रोग निवृत्ति के लिए भी इधर बहुत बढ़िया जगह है, संतान के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। कोई साधन करना चाहते हैं, तंत्र साधन, मंत्र साधन, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि पालन पाना चाहते हैं, वो भी सिद्धि हो जाते है। हर कामना माता सबको परिपूर्ण कर देती है। कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्ति पीठों में सबसे प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी शक्ति पीठ असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती की योनि गिरी थी, यही भगवती की महामुद्रा स्थित है। यह देवी माता सती का ही एक रूप है। क्या इतिहास है? इतिहास देखिए, ये तो भगवती कामाख्या देवी है। ये 3 पहाड़ है, ब्रह्मा पहाड़, विष्णु पहाड़, शिव पहाड़। इस 3 पहाड़ का अंदर में भगवती कामाख्या का जौनी गिरा था। वो जो जौनी गिरा नील आपका वर्णा रूप से भगवती का प्रकाश हुए थे। वे सती का दक्ष यज्ञ का समय पर सती का जो दहन एक है किया था, उसी में उनका जो अंग है वो जौनि स्वरूप भगवती कामाख्या देवी में इधर में गिरा था। माँ कामाख्या देवी इधर में गिरा था, और वही भगवती का माँ कामाख्या देवी का पूरा संस्कार के इधर में है।
कहा जाता है कि यहाँ पे रक्त भी होता है, यहाँ पे क्या रक्त भी निकलता है। हाँ, एकदम अम्बुबाची 22 जून में उसको शुरुआत होता है। 22 जून में आर्द्र नक्षत्र का द्वितीय पाद से लेके मध्यम पाद में उसको यह होता है, रजतशाला होता है, पृथ्वी रजतशाला। जो पृथ्वी है वह धारती स्वरूप है और जो आकाश है लिंग स्वरूप। ये भगवती का संस्कार होता है, संयोग होता है, उससे माता का प्रकृति का उद्भव होता है, प्रकृति बारिश होता है। उधर में अम्बुबाची, अम्बु का मतलब है पानी और बाची का मतलब प्रकाश। जो आदमी रह करके भगवती का माँ का दर्शन पूजा करता है। अच्छा, हम देख रहे हैं आज इतवार का दिन है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है, तो क्या दैनिक दिनचर्या के तौर पे भी ये हर दिन इतवार का दिन में हर दिन ऐसा माफिक आदमी भगवती का माँ का दर्शन कर लिया आता रहता है। तो यहाँ पे और क्या क्या मांगा जाता है माता जी से? माता जी का यहाँ 10 महाविद्या का 10 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसा भाई। उसका बाद काली तारा, सिन्नमस्ता, बगला भैरवी, मातंगी, उमावती, कमला, ऐसा सब 10 महाविद्या का 10 स्वरूप ही धर्म है। कैसा खाली हाथ? माँ का कोई ना कोई मानती करके आता है ना, यह मैं बोली विधान सब होता है। यहाँ बोली विधान से भगवती का पूजा होता है, या भैंसा बोली होता है, या बकरा बोली होता है, एक कुष्मान दे बोली है, ये गिन्ना बोली होता है, ये जिंदा मछली भी बोली होता है। इधर में भगवती का हर बकरा का जो कामना करके जो आदमी आते रहते हैं माँ का चरण परस करता है। दर्शन मात्र न पुनर्जन्म नौ बजे, परसन मात्र न पूर्ण जन्म नौ बजे, दोनों एक ही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। दर्शन का मतलब आँख से देखना वाला सारी समझ जितना है सबको देखने के लिए दर्शन, और परसन माता चरण परस करके लिए आप इतना में लाइन पकड़ करके भगवती का इधर में आए। ये तो प्रश्न मात्र न पुनर्जन्म न हो। सती का देहांत होने का बाद उसका जो नीचे का पोजीशन वही गिरा था भगवान, ये मैं पानी आ गए। देखिए एक बात है, पुरुष का भी इधर ईरा पिंगला सुखम्मा नारी होता है, जनना को भी ईरा पिंगला सुखम्मा नारी दे, लेकिन हर दिन भगवती का इससे देखिए आप जितना जन्म हुआ जन्म का बाद से आप सब करके रहता हुआ यूरिन करते रहते है कि नहीं? कभी दिन जब उस अब गुजर जाएगा तभी उसका बंद हो। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है, इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमनंद भैरव का मंदिर भी है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इनके दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां पर एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म से रहती हैं। परंपरा अनुसार 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है, और 3 दिन के बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग से भींगा होता है, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दे दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता रहा है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेला लगता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यहाँ पर अम्बुवाची का मेला लगता है। असम में गुवाहाटी के पास स्थित नीलांचल पहाड़ पर कामाख्या मंदिर के पास ही उमनाथ भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव की इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है।
तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।